हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल. सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो लगभग समाप्त हो चुका है. चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है. अब हम लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो फार्मूले हमें न्यूमेरिकल में काम आएंगे. तो सबसे पहला फार्मूला, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है 2ml, या हम इसे l क्या लिख सकते हैं, m इंटू 2l भी लिख सकते हैं. ठीक है, कोई भी चुंबक होता है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, इसका ध्रुव समर्थ, दो ध्रुव होते हैं इसमें, ns, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, जो इसे हम 2L लेते हैं. तो M ध्रुव समर्थ और इनके बीच की दूरी, इन दोनों गुणनफल कर देंगे तो हमें चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा. ठीक है, इसी तरह लूप का भी चुंबकीय आघूर्ण होता है. लूप का चुंबकीय आघूर्ण, लूप का चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है AI. एक लूप है, उसमें यदि आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसका क्षेत्रफल ए है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण ए आई या आई ए लिख सकते हैं अपन. यदि इसमें फेरों की संख्या, अगर एक फेरा है तो एक इसमें इंटू एक है, और यदि इसमें एन फेरे हैं, एन फेरों के लिए मतलब एक से अगर अधिक फेरे हैं तो एम बराबर एन से और मल्टीप्लाई कर देंगे. दो होगा तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन होगा तो तीन, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, फेरे होंगे, हम उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका चुंबकीय आघूर्ण मिल जाएगा. इसी प्रकार दो ध्रुवों के बीच बल कौन सा बल, चुंबकीय बल. चुंबकीय बल F बराबर म्यू अपॉन 4π m1 m2 अपॉन d2. ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद रखना है, 10^-7 m1 m2 अपॉन d2, ये न्यूटन. ठीक है, तो इतना फोर्स लगता है दो ध्रुवों के बीच. दो ध्रुव है m1 m2, इनके बीच की दूरी अगर d है तो इनके बीच में इतना फोर्स एक्ट करता है. ये पहले हम पढ़ चुके हैं, कूलम्ब का नियम. ठीक है, इसी प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है. दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B बराबर होती है म्यू अपॉन 4π m2 m/d³. ठीक है, दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता. इसी तरह दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र म्यू अपॉन 4π, अब यहाँ 2 नहीं आएगा, m आएगा, कैपिटल m, d³, टेस्ला यूनिट लिखेंगे. ठीक है, या फिर इसकी दूसरी यूनिट जो हम लिखते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दूसरी यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और इसके आगे भी अभी हम एक दो फार्मूले और लिखने वाले हैं, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 2ml. ठीक है, m को मैंने अलग लिखा, m इंटू 2l, 2l को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं. लूप का चुंबकीय आघूर्ण होता है a इंटू i, a मतलब एरिया और उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल, अगर n फेरे हैं तो n से और मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब दो ध्रुवों के बीच चुंबकीय बल म्यू अपॉन 4π m1 m2 अपॉन d², जहाँ d दोनों बीच की दूरी होती है, m1 m2 ध्रुव समर्थ होता है. ठीक, बल मैंने बता दिया,
म्यू अपॉन फोर पाई की वैल्यू याद रखना है। दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बीटा बराबर या सॉरी बी बराबर म्यू अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन डी क्यू। ठीक है, अक्षीय स्थिति में जानते हैं आप लोग एक चुंबकीय द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी 2L है, एम एम इससे डी दूरी पर, इसके सेंटर से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके सेंटर से इसके मध्य बिंदु से। ठीक है, मैं डायग्राम पूरा नहीं बना रहा हूँ, ये अपन पढ़ चुके हैं डेरिवेशन। तो इसके कारण बी बराबर म्यू अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन डी क्यू टेस्ला। निरक्ष स्थिति में सिर्फ दो नहीं आएगा, म्यू अपॉन फोर पाई निरक्ष स्थिति में क्या होता है, निरक्ष स्थिति में इसके लंबार्धक पर, ठीक है, इसके लंबार्धक पर कहीं एक बिंदु पी ले लेंगे। अब यह बिंदु पी अक्ष पर था, यह निरक्ष पर, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी क्यूब होती है। तो ये फार्मूला हमें याद है और हम लोग इसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, दंड चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होता है, एम बी साइन थीटा, सदिश रूप में एम क्रॉस बी वेक्टर होता है। ठीक है, सदिश रूप में टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये सदिश रूप में होता है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण इतना होता है। अब द्विध्रुव को इस दंड चुंबक को घुमाने में कितना कार्य किया जाता है, कार्य कितना होता है द्विध्रुव को घुमाने में, कार्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य डब्लू बराबर होता है एम बी वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है। इसी प्रकार इसकी स्थितिज ऊर्जा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये हम लोगों ने आठ फार्मूले देखे। अब इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल जो मैंने पिछली क्लास में आपको दिए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने ट्राई किए होंगे, मैं उनका आपको सोल्यूशन बताऊँगा। चलिए, अब जो क्वेश्चन मैंने पिछली बार होमवर्क में दिए थे, प्रैक्टिस के लिए दिए थे, उनका मैं सोल्यूशन बताता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर वन, उसमें एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया है, एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो चुंबकीय आघूर्ण m, कैपिटल M बराबर 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि इसके ध्रुवों के बीच की दूरी, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनके ध्रुवों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो ध्रुव प्रबल की गणना कीजिए। ध्रुव प्रबल मतलब m निकालना है, स्मॉल m। तो एक चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है, उनके बीच की दूरी 2L है और अपन को एक ध्रुव दे दिया है, ध्रुव समर्थ निकालना है। ठीक है, इसका चुंबकीय आघूर्ण दिया, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है, चाहो तो स्मॉल m इंटू 2L लिख दो, क्योंकि 2L की वैल्यू डायरेक्ट दी है, लेकिन अब यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर दिया है, 2L जो दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, तो अपन इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2 मीटर ये आएगा, 0.2 मीटर। तो कैपिटल M की वैल्यू दी है 5 रख देते हैं, स्मॉल m नहीं पता है, 0.2, तो 0.2 यहाँ रख देते हैं, 0.2 मीटर। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दियो, तो 5/0.2 इज इक्वल टू स्मॉल m। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल m इज इक्वल टू, इसको डेसिमल अगर आप हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 मतलब
टेन, फाइव इंटू टेन अपॉन टू, तो ये से कैंसिल आउट, तो फाइव, फाइव इंटू फाइव, तो एम की वैल्यू 25 एम्पियर मीटर। ठीक है, बहुत सिंपल है, फार्मूला अप्लाई करना है। तो ध्रुव अभुण होता है m बराबर m इंटू टू एल, टू एल क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, दो ध्रुवों के बीच की दूरी 2l, 2l की वैल्यू डायरेक्ट उसने 20 सेंटीमीटर दिया है, जो दूरी होती है ठीक है उसे ही अपन 2l कहते हैं। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 मीटर आएगा। तो यहाँ पे मैंने 12 की वैल्यू 0.2 रख दी, कैपिटल M की वैल्यू 5 है, अब इससे हमने 5, तो ये अपॉन में जाएगा तो 5.0.2, तो स्मॉल M की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 25, ठीक है 5 × 5 तो 25 एम्पियर मीटर। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन में दो ध्रुव दिए हैं जिनके ध्रुव सामर्थ्य 1.2 एम्पियर मीटर और दूसरा है 4.2 एम्पियर मीटर। दो ध्रुव हैं M1 M2, मैंने एक को M1 बोल दिया M2, और इनके बीच की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। यदि 1.2 एम्पियर मीटर और 4.2 एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबल के दो ध्रुवों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, हमें इन दोनों के बीच में बल निकालना है। तो हमें ध्रुव सामर्थ दे रखा है और डी भी दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कर लीजिए, इसको 100 से डिवाइड करके 6 × 10^-2, ये 100 को मतलब 10^-2 हम लिख सकते हैं, तो इसके हमने ऊपर ले गए तो 6 × 10^-2 मीटर हो गया। अब हमें बल निकालना है, तो बल, बल बराबर म्यू अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता है 10^-7, m1 की वैल्यू कितनी है 1.2 और m2 की वैल्यू 4.2 अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब 6 × 10^-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, 10^-7 1.2 × 4.2, नीचे होल स्क्वायर है 6 पॉइंट, इसको दो बार लिख लो चाहो तो। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 × 2 = 12 तो 0.2, 6 × 7 = 42। ठीक है, अब ये देखो 10^-2 तो हो जाएगा 10^-4, 10^-4 तो 10^-7 ये ऑलरेडी है 10^-7 और 0.2 अपॉन 10^-4। अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना, पावर हमें सॉल्व करते बनना चाहिए, पावर यदि हमें सॉल्व करते आती है तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, 10^-7 × 0.2 × 0.7 अपॉन 10^-4। ठीक है, अब ये पावर ऊपर जाएगी तो 10^-, ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 14 तो दो संख्या दशमलव लगाओगे तो 10^ ये −3 × 0.14 तो 0.14 × 10^-3। अब इस डेसिमल को, डेसिमल को हमेशा इधर लिखते हैं एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, डिजिट के बाद, तो हम डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1.40 या 1.4 भी लिख सकते हैं, सिंपली 1.4 ही लिख दीजिए, 1.4 × 10^, ये ऊपर जब पावर डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा तो एक पावर और माइनस हो जाएगी, तो इसमें से एक पावर और घट जाएगी, तो यहाँ ये फोर्स आएगा इन दोनों के बीच में न्यूटन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस डेसिमल का खेल है, डेसिमल आपको डिवाइड करते बनता है, डिवाइड करते बनता है, तो आप कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैंने यहाँ वैल्यू बस पुट की है, इसका इस होल स्क्वायर नहीं किया है, इसको मैंने दो बार लिख दिया 6 × 10^-2 6 × 10^-2, इसको मैंने 6 से कट कर दिया तो 0.2 आ गया, इसको 6 से 0.2 क्योंकि 42 है तो 6 × 7 = 42, लेकिन यहाँ पे 0.7 आ गया, 0.2, मैंने इन तीनों को लिखा 10^-7 0.2 0.7 अपॉन 10^-2 10^-2 10^-4 हो जाएगा। अब इस पावर को हम ऊपर ले गए तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस होगा, 7 में से 4 गया तो -3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 आ गया, 0.14। अब इसको हमने अच्छे से लिख लिया, अरेंज कर दिया, इसको आगे लिखा, बस डेसिमल को हम एक डिजिट पीछे ले जाएंगे तो 10^-4 हो जाएगा, तो इतना फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो हमें गिवन है, थर्ड क्वेश्चन जो हमें करना था, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, उसमें एक
1.0 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली के तार के 30 फेरे हैं, ठीक है। एक कुंडली है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 करना है अपन को। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग त्रिज्या, ठीक है, इसकी त्रिज्या दी है एंगस्ट्रॉन्ग, मतलब आर दिया है एंगस्ट्रॉन्ग में। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग त्रिज्या की कक्षा में 10^16 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से बद्ध चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब समझ लो कि आवेश एक गति कर रहा है, ठीक है, आवेश गति कर रहा है मतलब धारा प्रवाहित हो रही होगी, आवेश की गति ऐसा मान सकते हैं। तो इस क्योंकि एक वृत्ती कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इसका कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा, ठीक है। इसके नाभिक की त्रिज्या हमें दे रखी है आर, आर दे रखा है तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितनी चक्कर लग रहा है प्रति सेकंड, वो 10^16 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या दी है एंगस्ट्रॉम में, तो इसको मीटर में कर लो, 0.5 × 10^-10 मीटर। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगा रहा है मतलब धारा इसमें बह रही है, धारा तो बह रही होगी, इलेक्ट्रॉन की गति से क्या धारा प्रवाहित होगी, तो धारा प्रवाहित हो रही है तो मतलब इस पर कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा, एक लूप हो गया, लूप का चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण आएगा, मतलब आवेश गति कर रहा है, ठीक है। इसकी त्रिज्या दी है, तो त्रिज्या दी है इलेक्ट्रॉन, तो धारा निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा रहे हैं हमें, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कारण हमें धारा निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश गुणित, ठीक है, कितने चक्कर लगा रहा है वो, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है कितना, 1.6 × 10^-19 कूलाम, कितने चक्कर लगा रहे हैं, 10^16 चक्कर लगा रहा है वो, तो यहाँ से आ जाएगा 1.6 × 10^-, ये -19 और ये +16, तो 3 इतनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, चलिए धारा। अब ए निकाल लेते हैं, एरिया त्रिज्या दी है, त्रिज्या से हम इसका एरिया निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, हम इसको क्या मान के करेंगे कैलकुलेशन, ब्रेथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है यहाँ पे, इसकी त्रिज्या है तो इसका एरिया कितना आएगा, इस ब्रेथ का एरिया निकाल लो, ब्रेथ का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 3.14, एरिया आर स्क्वायर 0.5 × 10^-10 का होल स्क्वायर, तो 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे 0.25 × 10^20, ठीक है। अभी इसको ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई करेंगे अपन, अपन को चुंबकीय आघूर्ण चाहिए लूप का, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण चाहिए, तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर आई ए, ठीक है। हमने टोटल धारा यहाँ पे निकाल ली है, टोटल धारा ये है 1.6 × 10^-3 और इसका एरिया ये आ रहा है 3.14 × 10^-20। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लें अगर अपन, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर देखो, पहले पावर अपन सॉल्व कर लेते हैं, 1.6 × 3.14 × 0.25 × 10^23, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करने पर आप चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फाइनल इसका जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर वो मैं लिख देता हूँ, चाहे तो मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, 16 × 5 = 80 / 8, 16 × 2 = 32, 32 × 8 = 40 / 4, ठीक है। यहाँ डेसिमल लगाएंगे हम, 3 डिजिट का, 2 इसका 1 डिजिट इसका, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.14 × 10^23।
अब इसे हम चार से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, चार से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसमें। देखो इसका कोई मतलब नहीं है जीरो लिखने का, आप इसका इससे मल्टीप्लाई करिएगा, 0.4 आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसका चार से मल्टीप्लाई कर, चार को 16 हंसला एक, चार एकम चार, एक पाँच, चार ती 12। डेसिमल लगाना है, दो इसका एक इसका, ठीक है। ये आ गया अपना चुंबकीय आघूर्ण, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण ये इसका आंसर है। आपको बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 10^16 प्रति सेकेंड 10^16 चक्कर प्रति सेकेंड की दर से घूम रहा है। मतलब वो एक सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है, 10^16 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है और कितने चक्कर लगा रहा है वो इतने, तो बहने वाली धारा क्योंकि प्रति सेकेंड है, प्रति सेकेंड इतनी चक्कर लगा रहा है, तो इसलिए बहने वाली धारा निकल आएगी। ये आवेश कितना आवेश लगा रहा है प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड इतना आवेश, इतने चक्कर लगा रहा है, इतना आवेश इतने चक्कर लगा रहा है, तो इसमें बहने वाली धारा इतनी हो जाएगी कुल धारा, ठीक है। क्योंकि प्रति सेकेंड बहने वाले आवेश ही धारा कहलाती है, तो कुल धारा इतनी हो जाएगी। अब इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या पाई की वैल्यू रख दी है और त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर कर दिया तो एरिया आ गया। एरिया से आई ए, आई ए को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एग्जाम्पल नंबर जो 4 है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में 1.0 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली के तार के 30 फेरे हैं। एक कुंडली है, आयताकार है, आयताकार, इसकी लंबाई कितनी दी है, एक ही माप जो दी है 1 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। इसमें कितने फेरे हैं, 30 फेरे हैं और इसमें इतनी धारा बह रही है, आई भी दिया है, तो इसकी लंबाई दिया है, इसको ये लंबाई मान सकते हो, इसको चौड़ाई मान सकते हो। L की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, B की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हमें, और इसमें बहने वाली धारा कितनी दी है, I की वैल्यू दी है, I की वैल्यू दी है 1.0 × 10⁻⁴ एम्पियर और इसमें फेरों की संख्या 30 दी है, ठीक है। तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण, लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, अभी अपने देखा था, लूप का चुंबकीय आघूर्ण होता है आई ए, उसमें फेरे भी हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले ए चाहिए हमें, ए ए निकालना है, एल इंटू बी, देखो एल इंटू बी ये दोनों सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करना पड़ेगा, तो मैं इसमें 100 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 1 में भी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों मीटर में हो जाएंगे, तो जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो 1.5 × 10⁻ ये 10^2 तो 10^4 ऊपर जाएगा, 10^-4 मैं डायरेक्ट कर दिया, लिख देता हूँ 1.10⁴ मीटर स्क्वायर। तो ए बराबर 1.5 × 10⁻⁴ मीटर। अब इस फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं, एम की वैल्यू निकालना है, एन 30 है, आई की वैल्यू गिवन है, ध्यान से आप देख के करिएगा, और ए की वैल्यू हमने निकाल ली 1.5 तो 15 × 15 = 45, ठीक है। एक डेसिमल बाद हम एक संख्या बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो ये लगा दिया 10^-8, इसको यहाँ डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 4.5 × 10⁻ इसमें प्लस 1 हो जाएगा तो 7, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये इसका चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। बहुत सिंपल था ये तो क्वेश्चन, बस हमें एरिया निकालना था, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर में तो हमने मीटर में कन्वर्ट किया, दोनों में 100 से डिवाइड कर दिया, आई तो दे रखा है और फेरे भी दे रखा है, और फार्मूला एम एन आई ए, इसको सॉल्व करिएगा आंसर मिल जाएगा। चुंबकीय ध्रुव, दो समान चुंबकीय ध्रुव जिनके ध्रुव प्रबल्य का अनुपात 1:2 है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें, दो समान चुंबकीय ध्रुव मतलब समान मतलब एक जैसे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, दो हम एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो दो चुंबकीय ध्रुव मान लेते हैं, एन ध्रुव रखें ऐसे, ठीक है।
दो समान चुंबकीय ध्रुव जिनके ध्रुव प्रबल्यों का अनुपात 1:2 है, समझ रहे हैं? मतलब इसका ध्रुव प्रबल अगर m है तो इसका ध्रुव प्रबल 2m होगा, तब तो 1:2 होगा। अगर एक x है तो दूसरा 2x होगा, एक m है तो दूसरा 2m। तो हम ध्रुव प्रबल को m से लेते हैं, तो एक को m बोल दिया तो इसको m, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दो समान चुंबकीय ध्रुव जिनके ध्रुव प्रबल्यों का अनुपात 1:2 है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। तो वह बिंदु याद कीजिए जहां पर एकांक ध्रुव दोनों ध्रुवों के कारण किसी बल का अनुभव नहीं करता। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक ध्रुव रखें तो एकांक ध्रुव यहां पर कोई बल का अनुभव ना करे। अगर हमने एकांक ध्रुव रख दिया, एक ध्रुव रख दिया, तो इस पर कोई बल नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब जितना बल ये लगाएगा उतना बल, मतलब इस पर लगने वाला जो बल होना चाहिए बराबर होना चाहिए। इसके कारण बल इधर कहीं लगेगा, इसके कारण इधर लगेगा। मान लेते हैं एफ वन इधर लगेगा, ठीक है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं एकांक ध्रुव पर जो बल लगता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होनी चाहिए। इसके कारण यहाँ पर बी वन आएगा, इसके कारण यहाँ बी टू। तो इस बिंदु पर बी वन बी टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। B1 का फार्मूला क्या होता है? B का म्यू अपॉन 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर। मान लेते हैं जो बिंदु P है वो यहाँ से x दूरी पर है, ठीक है। ये बिंदु P जो है यहाँ से x दूरी पर है, तो ये दूरी कितनी बच गई बाकी? क्योंकि टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है, टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये बचेगा 1 माइनस x मीटर, ठीक है। इस वाले ध्रुव से बिंदु P की दूरी इतनी होगी। तो B1 कितना? B1 होगा म्यू अपॉन 4 पाई m, m तो m ही रहेगा, d स्क्वायर, d मतलब इस n से इस P की दूरी, n से P की दूरी x है, तो x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह B2 कितना होगा? म्यू अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी है? ध्रुव समर्थ 2m, और यहाँ से इसकी दूरी n से P की दूरी कितनी है? 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर इस P पर रखे बिंदु पर कोई बल नहीं लगता है, बल का अनुभव नहीं करता है, एकांक ध्रुव दोनों ध्रुवों के कारण कोई बल का अनुभव नहीं करता है, इसका मतलब यहाँ पर बिंदु P पर क्या होना चाहिए? बिंदु P पर दोनों की तीव्रताएं बराबर होना चाहिए, है ना। मतलब बिंदु P पर रखा एकांक ध्रुव कोई बल अनुभव नहीं करता है, कोई बल अनुभव नहीं करता है। अर्थात क्या होगा? अगर कोई बल अनुभव नहीं करता है ये, तो इस पर जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होंगी, मतलब B1 बराबर B2, मतलब दोनों को इक्वेट कर दो, म्यू अपॉन 4 पाई m अपॉन एक्स स्क्वायर म्यू अपॉन 4 पाई m 2m अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व आउट कर देंगे अपन, तो म्यू अपॉन 4 पाई कट गया, m से m कट गया, तो बचा क्या? 1 अपॉन x स्क्वायर 2m, 2 तो कट गया है, तो बचा है 2, 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि √2 का वर्ग कितना होता है? √2 का वर्ग 2 ही होता है, तो हम 2 को √2 का वर्ग लिख सकते हैं। दोनों तरफ से वर्गमूल हटा देंगे, तो √2 1 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस x का, तो 1 माइनस x इज इक्वल टू √x, x के इधर मल्टीप्लाई, x की वैल्यू चाहिए 1 माइनस, इस x को उधर ले गए √x प्लस x, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो रूट ये आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन √x प्लस 1। अब सिंपल मैथमेटिक्स, अब क्या कर रहा है? अब हमें प्रमेयीकरण करना पड़ेगा, इसको प्रमेयीकरण करेंगे, तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर, इसको मैं ऊपर करता हूँ, इस चीज़ को मैं रब कर देता हूँ, तो इस पे जो बल आएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे, x बराबर x की वैल्यू जो आएगी, अब देखिए इधर √2 माइनस 1 और नीचे a a प्लस b a माइनस b का होल स्क्वायर,
सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट टू माइनस वन दो का स्क्वायर कराएगा एक्स, तो नीचे तो एक आएगा तो रूट टू माइनस वन, ठीक है रूट टू माइनस वन, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.414 मीटर एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है ये फाइनली ये आंसर हमारे पास आएगा, क्योंकि रूट टू की वैल्यू में लिख देता हूँ, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, ये वैल्यू होती है, तो एक्स की वैल्यू इतनी होगी, तो उस पर बिंदु पी पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर कोई बल नहीं लगेगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स की या क्वेश्चन नंबर सिक्स की। एक दंड चुंबक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तथा उसका चुंबकीय आघूर्ण इतना है। एक दंड चुंबक की लंबाई, दंड चुंबक बोल रहा है मतलब 12 इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर दी है। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कर लो तो 5 × 10^-2 मीटर, ठीक है। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण दिया है m, m की वैल्यू दी है 0.5 a मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से d, d की वैल्यू कितनी दी है इसके मध्य बिंदु से 50 सेंटीमीटर दूरी पर। अब इसको भी मीटर में कर लो 100 से डिवाइड करके तो 5 × 10^-1 मीटर, या 0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5/10 0.5 लिख सकते रहे, लेकिन हम लोगों ने 5 × 10^-1 लिख लिया है। चलिए अब बोला है एक दंड चुंबक की लंबाई इतनी है, इसका चुंबकीय आघूर्ण इतना है, तो चुंबक के मध्य बिंदु से 50 सेंटीमीटर दूर पर अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में अभी मैंने फार्मूला बताया था, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू अपॉन 4π2m/d³, क्योंकि ये दूरी बहुत ज़्यादा है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और दूरी जो है 50 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा है, और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें याद है 10^-7 2m, m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू 0.5 × 10^2, अच्छा अपॉन d³ × 10^-1 का कितना है क्यूब 11। तो अब इसे हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, अब देखिए 0.5 × 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। अब यहाँ क्यूब है, क्यूब तो 125, 5 का क्यूब कितना आ गया 25, और 10^-3। अब इस पावर को हम लोग सॉल्व करें कितना आएगा, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे 10^-7 + 3 हो जाएगा 125, तो 10^-, कितना लिखेंगे 10^-3/125, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 1000 लिख ले रहे हैं, 1000 और 10^ यहाँ कितनी कर दे रहे हैं माइनस 3 और कर देंगे, क्योंकि हमने 1000 यहाँ लिख लिया है, क्योंकि ये 10^3 है अपॉन 125। अब हम इसको काट देते हैं, तो काटने पर क्या मिलेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड 8, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, 10^3 को मैंने 10^6 कर दिया, मतलब यहाँ पे क्योंकि 10^3 है, 10^3 × 10^-6 करेंगे तो 10^-3 आएगा, मैंने 1000 अपने से लिख लिया ताकि ये कट जाए, क्योंकि मैं एक में यदि भाग देता 125 का तो थोड़ा दिक्कत होती, इसलिए मैंने उसको 1000 बना लिया, 1000 बना के मैंने यहाँ 10^-6 लिख दिया। अब इसको काट दिया मैंने तो ये आंसर आ गया टेस्ला, ठीक है ये। अब अपने हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 10^ कितनी आएगी, 4 आएगी, है ना, क्योंकि 7 में से 3 गए तो 4 आएगी, 4 आएगी तो इधर 7 आएगा, इधर 7 आएगा, ये आएगा इसका आंसर। उस पर एक दंड चुंबक निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर दूरी पर 3×10^-1
चार वर्ग मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमें कैपिटल एम निकालना है लक्ष्य स्थिति पर, मतलब डी डी दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो पहले इसे मीटर में कर लो, 100 से डिवाइड करके 20 × 10⁻²। फिर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न करता है, बी दिया है, बी कितना दिया है 3 × 10⁻⁴ टेस्ला, या वेबर मीटर स्क्वायर दिया है इसने, तो बी ही दिया है उसने। और अपन को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, मतलब कैपिटल एम निकालना है, ठीक है। अब देखिए निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी होती है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता जो होती है वो बी बराबर म्यू अपॉन 4 πm/d³ होता है, ठीक है। इसकी पहलू हमें पता है 10⁻⁷, एम हमें निकालना है और बी हमें गिवन है 3 × 10⁻⁴, और डी क्यूब कितना, डी क्यूब तो डी इंटू इसका क्यूब 20 × 10⁻²। का क्यूब अब इसे सॉल्व करना है तो कितना आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, 3 × 10⁻⁴ इंटू, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 × 10⁻²² का क्यूब 10⁻⁷ इंटू एम, तो 3 × 10⁻⁴, इसको क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8000 × 10³ × 6 −7 m। अब 8 × 24 10⁻⁴, देखो 10⁻³ ये 3 हो जाएगा क्योंकि 1000 है, 10³, तो मैं 10³ लिख दे रहा हूँ। तो पावर को सॉल्व कर लेते हैं, पावर ही यहाँ पे है, ये देखिए 6 और 4 −10 −10, 10 में से 3 गए है ना, माइनस का 10 और प्लस का 3, तो 10⁻⁷, 10⁻⁷ इंटू एम, तो 10⁻⁷ से 10⁻⁷ कट जाएगा तो 24 = m, तो m = 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण आएगा। सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पावर सॉल्व करना है ना, मैंने यहाँ पे इसको क्यूब किया था तो 20 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8, और 10 को मैंने 0 को 3 बार लिख दिया, और यहाँ 3 × 2 = 6 पावर हो जाएगी। फिर मैंने 8 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, 8 × 3 = 24, 10⁻⁶ है, 10⁻ ये 1000 को मैंने 10³ लिख लिया, 10⁻⁴ और 1000 जो था, ठीक है, 1000 को 10³, और ये −6 −4 हो गए −10, 10 में से 3 गए तो −7, और −7 से −7 कट गया, तो ये आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया है मतलब कैपिटल एम दिया है, कैपिटल एम दिया है 0.1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसे 3 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। मतलब बी दिया है 3 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये उस पर बलाघूर्ण की गणना कीजिए जो 30 डिग्री कोण पर विक्षेपित करता है, तो थीटा हो गया 30 डिग्री, तो बलाघूर्ण निकालना है टाउ बराबर mb sin थीटा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बस इसमें वैल्यू पुट करना है, m की वैल्यू और b की वैल्यू और sin 30। अब इसमें sin 30 की वैल्यू अपन को पता होना चाहिए, ठीक है, 3 × 3 = 3 × 10⁻⁴, sin 30 वैल्यू होती है 1/2। अब 1/2 इसको इससे जब काटेंगे तो 0.212, तो ये आएगा। अब इसको डेसिमल को इधर ले जाओगे, एक अंक इस तरफ ले जाओगे तो पावर माइनस हो जाती है, तो 4 में से -4 में से 1 गए तो −5 न्यूटन मीटर, इसी को जूल भी कहते हैं क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर बल गुणित विस्थापन होता है जूल, तो कई बार जूल भी लिखा होता है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 क्वेश्चन बड़ा है लेकिन हम उसे कर सकते हैं। एक दंड चुंबक को 0.16 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के साथ, मतलब यहाँ बी दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, पहले बी दिया है, बी कितना दिया है 0.16 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 कोण पर थीटा दिया है, 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया है,
यह 0.032 का बालागुण अनुभव करता है, मतलब टाउ दिया है 0.032 जूल या न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, बालागुण अनुभव करता है। पहला क्वेश्चन है चुंबक का चुंबकीय घूर्ण बताइए। पहला क्वेश्चन है चुंबक का चुंबकीय घूर्ण, मतलब हमें एम बताना है। तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, तो इसमें से टाउ की वैल्यू 0.032 दिया है, एम की वैल्यू नहीं पता है, बी की वैल्यू 0.16 साइन थर्टी 0.32 जीरो पॉइंट साइन थर्टी की वैल्यू एम तो हमें निकालना है, साइन थर्टी बाई 1/2 तो इसको काट दो 0.08 आएगा, ठीक है 0.16 को दो से काटेंगे तो 0.08 आ रहा है। तो यहाँ से m की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू तो 0.032 अपॉन 0.008, तो इसे m की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा ऊपर 100 जाएगा, नीचे 1000 आएगा, 32/1000, और यहाँ आएगा 100/8, तो यहाँ से कट जाएगा 8 × 32, तो ये आ रहा है m की वैल्यू 4/10 मतलब 0.4, तो m आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमने m की वैल्यू निकाल ली है, अब m की वैल्यू जब हमने निकाल ली है 0.4, अब इसके बाद हमें इसके आगे और कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा डेसिमल को। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, इसमें जो बोला है यदि दंड चुंबक को घूमने के लिए स्वतंत्र हो, यदि दंड चुंबक घूमने के लिए स्वतंत्र हो निम्न अवस्थाओं की स्थिति, तो यदि दंड चुंबक घूमने के लिए स्वतंत्र है तो निम्न अवस्थाएं चुंबक की किस स्थिति प्राप्त होंगी। पहली उसने बोला है, दूसरा जो क्वेश्चन है ए बोला है स्थाई साम्यावस्था कब प्राप्त होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, मतलब m तथा b के बीच, या m तथा b क्या हो समांतर हो, मतलब थीटा कितना हो 0 डिग्री, ठीक है। और दूसरा b जो इसने बोला है अस्थाई साम्यावस्था क्या होती है, अस्थायी साम्यवस्था मैंने लिखवाया था, अस्थायी साम्यवस्था में m तथा b विपरीत होते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है, ठीक है। अस्थायी साम्यवस्था में थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है, ठीक है। अब बोला है कि स्थिति ए तथा बी के लिए चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की स्थिति ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में सेकंड में ही हमें बोला है लास्ट में स्थिति ए तथा स्थिति बी के लिए चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की स्थिति ऊर्जा, तो इस स्थिति में स्थायी साम्यावस्था में स्थिति ऊर्जा होती है माइनस एम बी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो माइनस एम बी, m की वैल्यू हमने निकाल लिया है 0.4 और b की वैल्यू हमें दिया है 0.6। अब इसे सॉल्व करना है बस, तो 16 × 64, ठीक है 16 × 64 मतलब 6.4 इंटू टेन टू माइनस 1 या ऐसे ही रहने दो 0.64 जूल, तो हमारा ये आंसर आएगा 3 संख्या लगाएंगे, 2 इसका 1 इसका, तो 0.0064 जूल आएगा। अब स्थायी साम्यवस्था में कितनी आएगी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा माइनस एम बी कॉस 180 माइनस एम बी की वैल्यू कितनी 0.4 और बी की वैल्यू कितनी 0.16 इंटू 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर यही आएगा बस, यहाँ पे माइनस आएगा लेकिन, ठीक है क्योंकि माइनस, तो -0.064 जूल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा 0.064 जूल।
तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। पहले क्वेश्चन में इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर से बता देता हूँ, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण निकालना था, मतलब एम निकालना था, बी दिया है, थीटा दिया है, टाउ दिया है, तो हमने एम निकाल लिया। दूसरी स्थिति में इसने पूछा यदि चुंबक यदि दंड चुंबक घूमने के लिए स्वतंत्र है तो निम्न अवस्थाएं चुंबक की किस स्थिति प्राप्त होंगी। पहला स्थायी साम्यवस्था कब प्राप्त होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, मतलब जब एम और बी समांतर होते हैं। दूसरा अस्थायी साम्यवस्था कब प्राप्त होती है, जब एम और बी विपरीत होते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू 180 होती है। ये मैंने कैसे लिखाए थे, जब मैंने उसमें क्या बताया था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव रूप की स्थिति ऊर्जा पढ़ाया था। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया, वैल्यू रख के हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन नंबर जो बचा हमारे पास लास्ट, उसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को कार्य निकालना है, तो कार्य के लिए भी मैंने सूत्र बता दिया था, एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो चलो कार्य भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो कार्य क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर टेन में एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण इतना दिया है, चुंबकीय आघूर्ण उसने दे दिया, मतलब एम दिया है 1.5 जूल पर टेस्ला, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जूल पर टेस्ला, और 0.22 टेस्ला के, मतलब यहाँ पे बी दिया है 0.22 टेस्ला, ठीक है, बी दे दिया है और एम दिया है, बी दिया है एम दिया है, एक समान चुंबकीय जैसे समांतर स्थित है। अब पहला है चुंबक को घुमाने में कार्य की गणना कीजिए ताकि इसका चुंबकीय आघूर्ण, अब देखिए कार्य का फार्मूला क्या होता है, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है एम बी। अब पहला जो केस है, पहला केस क्या है, जब क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, घुमाने में कितना कार्य करना, मतलब थीटा की वैल्यू जब कितना हो, जब थीटा की वैल्यू कितना हो 90। पहला जो केस है क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, चुंबक को घुमाने में कार्य गणना कीजिए जब इसका चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र की दिशा की लंबवत हो, मतलब थीटा की वैल्यू 90 हो, थीटा की वैल्यू 90 होगा तो कार्य कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू दी है 1.5, बी की वैल्यू 0.22 इंटू 1 माइनस कॉस, ये थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो थीटा की वैल्यू जब 90 होती है तो कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 90 0 होता है, तो 1.5 इंटू 0.22 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0, तो ये तो 0 का 1 ही आएगा, इसका 15 से मल्टीपल 15 दूनी 30 की हंस लगी थी, 15 दूनी 30 33, तीन संख्या दशमलव लगाएंगे 0.33 जूल, इतना आ गया हमारे पास पहला आंसर। चलिए सेकंड को हम देखते हैं, सेकंड जब बोला है क्षेत्र की दिशा में विपरीत हो, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो, क्षेत्र की दिशा में विपरीत, थीटा की वैल्यू 180, तो बस फार्मूला वैल्यू रखना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी, एम बी की वैल्यू, एम की वैल्यू 1.5, बी की वैल्यू 0.22, 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 0.33 आता है, इसको 1 माइनस, इसकी वैल्यू -1 होती है ना, तो 0.33 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.66 जूल। ठीक है, तीसरा केस, तीसरा इसने बोला है स्थिति ए और बी में चुंबक पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। स्थिति ए में, ए में थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ठीक है, तो एम, एम की वैल्यू कितनी है 1.5, बी की वैल्यू कितनी है 0.22 साइन 90, साइन 90 1, तो 1.5 0.22 1, तो एम बी कितना आएगा, इतनी आएगा 0.33 जूल या न्यूटन मीटर, ठीक है न्यूटन इंटू मीटर, या इसी को जूल भी कहते हो। दूसरा केस जब उसने बोला बी, स्थिति बी में बल आघूर्ण निकालना, बल आघूर्ण जब थीटा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि बी केस में थीटा की वैल्यू 180 है, तो टाउ बराबर एम बी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए बल आघूर्ण भी 0 आएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाकी सब 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने जो 10 क्वेश्चन मैंने दिए थे उनको सॉल्व किए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को एज अ पूरा सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा या फिर उसको एक्सप्लेन
कर दूंगा, या फिर अगली वीडियो में आप बोलेंगे तो मैं अगली वीडियो में उसे एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय।